हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो गाइस देखिए, अभी टाइम हो रहा है, आपको सभी को दिख रहा होगा 7:30। तो देखो, मैं हो गया हूँ मस्त नहाकर रेडी, और आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सुबह सुबह तैयार हुआ किधर जा रहा है। और आज तो देखो संडे है ना, छुट्टी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है तो मैं आप सभी को बताता हूँ, आज है हनुमान जयंती। तो मेरी तरफ से आपकी और आपकी फैमिली को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज देखो क्या सीन है कि मतलब आज ना हमारे स्कूल में कुछ अध्याय वगैरह कराए गए, तो हमको तो बुलाया है, घर की तरफ से बुलाया है। तो अभी चलते हैं, तो मम्मी से बाय बोल देता हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं क्या है, पहले थोड़ा लेट हो गया, तो मम्मी बाय, जय श्री कृष्ण, बाय, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय। ठीक है, तो चलो भाई निकलते हैं जाने के लिए। और आज फिर इसी बार ने क्या है ना, आज बताऊँ कंसवा में नहीं है, आज है प्रेमनगर वाले स्कूल में। तो उधर चलेंगे, तो उधर दिखाता हूँ मैं कैसा स्कूल है एक बार। चलो चलो अभी चलते हैं, फिर बताता हूँ मैं आप सभी को। तो चलो भाई निकलते हैं, और पूरे ना भाई 4 दिन बाद ब्लॉग बनाऊँ, 4 दिन बाद, मतलब कि 4 साल छोटा हो गया तुम्हारा भाई। तो चलो फटाफट निकलते हैं। वैसे ना मैं ना मतलब जान बूझ के क्या है जल्दी जा रहा हूँ, ताकि क्या उधर साउंड वगैरह चले ना, तो उसके पहले क्या मैं आप सभी को स्कूल भी दिखा दूँ मेरा, तो इसी बारे में अच्छा काम हो जाएगा। सो गाइस देखे भाई, आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब मैं तो स्कूल जाने वाला था, तो कौन से मोहल्ले में आ गया। मैं मोहल्ले में नहीं आया भाई, मैं मेरे दोस्त के घर पर आया हूँ। तो भाई मिलो लवकुश और योगेश से। और भाई जय श्री राम, जय श्री राम भाई, तो भाई देखो हम लोग है ना बहुत अच्छे दोस्त है भाई, साथ में बैठते, साथ में पढ़ते, साथ में खाना खाते स्कूल में। तो चलो भाई अब स्कूल चलते हैं हम तीनों, यहीं पर क्या है पास में ही इनके स्कूल, तो अभी जा रहे हैं हम। चलो भाई निकलते हैं। तो गाइस भाई देखो, अभी स्कूल जा ही रहे थे, मैंने कहा था ना जल्दी निकल गए भाई हम लोग, तो अभी क्या हम कचौरी समोसे खाने रुक गए भाई इधर। क्या है सुबह कुछ खा के निकला नहीं, दूध भी नहीं पिया मैंने आज, तो अभी चलेंगे स्कूल, रुक जाओ पहले कचौड़ी। हाँ भाई बस बस बस। हाँ तो गाइस भाई देखो कचौड़ी समोसे खा लिए अब, मैं क्या है ना अभी हम जाने वाले हैं, बस 2-5 मिनट में जाने वाले हैं वापस। तो उधर देखो भाई हमारे स्कूल को यहीं से दिख रहा है, वो देखो DPS दिख रहा है ना। तो भाई अभी चलेंगे DPS स्कूल अंदर। और कंस वाला दिखाया था मैंने अभी एक ही, वो भी किड्स वाला, प्रेमनगर वाला नहीं दिखाया, प्रेमनगर तो फर्स्ट टाइम आए हो, बिल्डिंग ही फर्स्ट टाइम देखोगे भाई आप लोग। तो बस अभी निकलने वाले थोड़ी सी देर में, 2-5 मिनट में बस। तो गाइस भाई देखो हम लोग पहुंच गए हमारे स्कूल की तरफ, और आज तो सिर्फ है ना एक ही बिल्डिंग दिखाऊंगा, क्योंकि ये वाली बिल्डिंग है ना गवर्नमेंट के अंडर है, अभी क्या पेपर चल रहे हैं बच्चों के, तो वो वाली बिल्डिंग ही दिखाऊंगा मैं। ये वाली देखो, बाहर से दिखाता हूँ पहले, तो ये देखो भाई, और एक ये वाली देखो, कहते क्या बोर्ड के पेपर का सेंटर आया इधर, तो इसलिए भी क्या बच्चे अच्छे खड़े हुए इधर। अरे मेरे को लगा किधर भग गए लोग, ये लोग क्या इधर, हमारा एक और फ्रेंड रहता है इधर विष्णु गुप्ता, अभी क्या है ये तो सब बाढ़ है सारे के सारे। तभी वो ये देखो, मिलो विष्णु गुप्ता, हेलो, जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, बस भाई। तो भाई देखो ये इसका नाम है विष्णु गुप्ता। तो गाइस भाई देखो अभी हम लोग इधर खड़े हुए थे, तो खड़े खड़े देखो भीड़ जमा होने लगी, मतलब भीड़ नहीं भाई दोस्ती भाई सारे, जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। तो आज तो लगता है ब्लॉग में सारे दोस्त आ जाएंगे मेरे, मस्त एकदम। तो इधर अभी पानी पीना करंट चल रहा है इधर अभी, तो भाई देखो सब फ्री हो गए, तो अब जा रहे हैं अब स्कूल के अंदर, अब चलो 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 चलो। तो गाइस भाई देखो हम लोग है ना डायरेक्ट ऊपर आ गए स्कूल में, ऊपर आ गए। अब क्या है ना अभी देखो ये हमारी क्लास है भाई, हम इसमें बैठते हैं, ये देखो एक एक ये वाली बेंच है हमारी जिसपे हम तीनों बैठते हैं बस। तो हम लोग इधर बैठते हैं इस वाली बेंच पे, सबसे आगे भाई, सबसे आगे, और यहाँ पे पढ़ते। तो अभी तो चल रहा है फोटो सेशन, तो चलो भाई एक फोटो खिंचवाते तगड़ी सी, आ जाओ फोटो 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 खींचो फोटो खींचो। और भाइयों देखो मैंने ना ब्लॉग है ना मतलब ऊपर इसलिए आके बनाया, मेरे को पता नहीं है कि भाई अभी इधर ब्लॉग बनाने नहीं बना, मैं कन्फर्मेशन ही नहीं इधर टीचर से पूछ रहा हूँ, ब्लॉग बना लो स्कूल में, बना लो स्कूल में, कुछ बोल ही नहीं रहा कोई भाई, छोड़ो सबकी। मैंने कि मैं तो बना लेता हूँ मेरा ब्लॉग, मेरा काम है बस ब्लॉग बनाना, बना के फ्री हो जाता हूँ। तो अभी तो सब नीचे जा रहे हैं भाई वापस, और भाई देखो अभी तो कोई भी नहीं आया पूरे फ्लोर पे, कोई भी नहीं आया कोई भी, और ऊपर टेरिस है, ऊपर टेरिस है भाई।
जय श्री राम सर। यहीं पे रख सुंदर कांड है सर वो। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम। इधर कर रहा हूँ। हाँ तो गाइस भाई देखो मैं आप सभी को ना मेरे एक और न्यू फ्रेंड्स मतलब न्यू फ्रेंड नहीं एक और फ्रेंड से मिला था जो ब्लॉगिंग में ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आया मतलब जो जो योगेश आया फर्स्ट टाइम लवकुश आया फर्स्ट टाइम शशांक आया फर्स्ट टाइम लगभग लगभग सब फर्स्ट टाइम ही आए। हाँ तो गाइस भाई देखो इधर धीरे धीरे अब पब्लिक आती जा रही है मतलब मैं दोस्त भी आते जा रहे हैं। तो भाई देखो हमारे एक क्लासमेट से मिलो प्रिंस बना जय श्री राम भाई और ये भी हमारे क्लासमेट है लेकिन सब्जेक्ट दूसरा है। मैं प्रेमनगर आया हूँ ना बहुत सारे दोस्त बन गए भाई ऐसे करते करते करते। तो गाइस भाई देखो वापस ऊपर जा रहे हैं हम लोग अब चलते 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 चलो वापस चलो। जय श्री राम सर। तो चलो भाई वापस अब हमारी क्लास में जा रहे हैं बैठने अब क्योंकि ये ना इधर क्या घूमे जा रहे एक जगह बैठ जाते हैं शांति से इस तरह। तो गाइस भाई देखो जैसे पिछले वाले लास्ट व्लॉग में ना मैंने आप सभी को एक कमल सर से मिलाया था इंग्लिश वाले टीचर थे तो मैं आप सभी को मिलाता हूँ प्रहलाद सर से। सर जय श्री राम। तो मतलब ये भी क्या है टीचर इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर है एकदम ग्रैंड मास्टर टीचर। तो मतलब इनकी कोचिंग वगैरह सब मतलब इनकी कोचिंग से ना भाई इतने टॉपर निकल जाते हैं भाई पूछो मत आप। तो क्या हो गया भाई वापस क्या हो गया मेरे पास है फोन तेरा ये डर गया ला लो मैं सेल्फी लेता हूँ आ जाओ सब उधर आ जाओ सब उधर आ जाओ 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 सब उधर जाओ जाना जाना उधर जाओ नहीं लेता एक सेल्फी आगे सब आ गए ना ठीक है 1 2 3 आगे एक और कहाँ जा रहे हो 1 2 3 हाँ भाई किसका मोबाइल है सर जय श्री कृष्ण सर जय श्री कृष्ण तो गाइस भाई देखो अब मैं मिलाने जा रहा हूँ हमारे मतलब कॉमर्स के गुरुजी से जो अभी मेरी हैबिट डाली है ना जय श्री राम बोलने की तो लोग किन्होंने डाली है मैं बता रहा हूँ ना सभी को। तो मिले संदीप सर से सर जय श्री राम। तो मतलब भाई कॉमर्स वाला जो इतना इंटरेस्ट आता है ना वो सिर्फ इनकी वजह से और हमारे और ग्रैंड मास्टर गुरुजी मिस्टर अक्षय सर। तो मतलब भाई पहली बात तो ये है ना मतलब कॉमर्स है ना तो कॉमर्स के अंदर क्या है कोटा डिस्ट्रिक्ट है तो कोटा में नंबर 1 पे आता है भाई कॉमर्स का नाम वो भी डीपीएस से निकलता है भाई रिजल्ट। अक्षय सर और संदीप सर की वजह से ना भाई अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस भाई यू धड़ 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 एक टाइम तो भाई पढ़ने में ना मजा भी नहीं आता था पढ़ने में मजा भी नहीं आता था भाई पढ़ने मजा आ रहा ही नहीं आ रहा अभी तो आ रहा है ना अभी तो कह रहा हूँ अभी आ रहा है पढ़ने में मजा पहले नहीं आता था इतना मजा। तो गाइस भाई देखो इधर धीरे धीरे ना बच्चे बढ़ते जा रहे हैं हमारी क्लास के स्टूडेंट्स तो देखो भाई कितनी भीड़ होती जा रही है धीरे धीरे ले एक बार सब हाई कर दो भाई। देखो अब मैं मिलाता हूँ आप सभी को हमारे क्लास की गर्ल से भाई ये देखो मिला सबसे हाई करो ये हाँ तो ये इसको जानते होगे अर्चना और इसको क्या नाम है तनीषा को पिछले अल्लाह वो सुंदरकांड वाला व्लॉग था ना तो उसमें आए थे ये तो सुंदरकांड डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं बुक मतलब लो मेरे को भी दे दो। तो चलो गाइस भाई देखो क्लास खाली होगी और रंजन भी आ गई हेलो तो चलो भाई अब सब ऊपर जा रहे हैं देखो जय श्री राम सर। सर जय श्री राम चला चलो 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 हाँ तो गाइस भाई देखो कुछ ही क्षण में ना सिर्फ प्रोग्राम चालू होने वाला है तो ये देखो भाई पब्लिक आ गई जी की जय।
जो आपसे कहे कि जयंती, अभी आजकल होता क्या है, अब मैं भी आज घर जाके लिखूंगा व्हाट्सएप पे हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, तो कई लोग ज्ञान देने आ जाते हैं तुरंत तुरंत। उसने भले आपसे 2 साल से बात नहीं करी होगी, जैसे आपने डाला हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, अरे पंडित जी कमाल करते हो यार, आप कथा करते हो, आपको ये नहीं पता कि यार हनुमान जयंती नहीं होता, हनुमान जन्मोत्सव होता है। अगर आपके व्हाट्सएप पे 500 लोग हैं तो उसमें से 400 लोग ज्ञान देने आ जाएंगे तुरंत तुरंत, वो बैठे रहते हैं ऐसी फिराक में कि कोई मिले उसको ज्ञान दे। तो ऐसे मुझे भी मिला, तो मैंने कहा, और वो खुद भी कथा करते हैं जिन्होंने मुझसे कहा, वो खुद कथावाचक है। मैंने कहा पंडित जी आप भी समाधान कर दो, आपके पास कोई शास्त्र का प्रमाण है कि हनुमान जयंती नहीं कहना है, हनुमान जन्मोत्सव है? तो मुझसे बोलते हैं कि आपके पास प्रमाण है? मैंने कहा हमारे पास तो प्रमाण है, और मैंने उनको फोटो लेकर निर्णय सिंधु ग्रंथ का उनको सेंड कर दिया। जयंती नाम पूर्वोक्ता हनुमत जन्म वास रह, हनुमान जी का श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय। जामन जी बोलते हैं महाराज सीता मैया की खोज हो रही है और आप यहाँ बैठे हो, श्री राम की।
तो चलो गाइस भाई देखो इधर हनुमान चालीसा का प्रोग्राम था वो हो गया कंप्लीट, और आज हनुमान जी का जैसा बर्थडे था तो उधर अब सब चल जा रहे हैं अब घर पे, तो चलो हम भी चलते हैं। तो चलो गाइस भाई देखो अब हम भी जा रहे हैं नीचे, नीचे जा रहे हैं हम भी, तो चलो इसके लक्षण है कि आप ज्यादा खा रहे तो शुगर बढ़ रही है आपकी। अरे दे दो बेना जी दे दो। तो चलो गाइस भाई देखो बहुत मजा आया ऊपर, आज स्कूल का भी टूर करा दे ऐसी बात है, स्कूल भी दिखा दे मेरे दोनों, तब चलते अब घर पर। तो कहाँ से आ रहा है? ट्रिक वाला है। अरे आ तो रहा हूँ मैं, वो सर का बैग ला रहा था यार। तो चलो अब घर पर जा रहे हैं अब सारे, वही सर का बैग टाग रखा है वो जो बजा रहे थे ना स्टिक से, तो वो है इसके अंदर, तो उन्होंने कहा ले चलो उनके पास भी एक बैग था, तो चलो ये चलते हैं। तो गाइस भाई देखो हम खड़े हैं डीपी स्कूल के बाहर, तो अब मेरा टाइम हो चुका है घर जाने का क्योंकि सब चले गए, और देखो हमारे स्कूल की सारी गर्ल्स है ये, और ये हमारी क्लासमेट्स है। ठीक है सर बाय, आपको दिखाई दिया था पहले भी, याद होगा पहले वाले व्लॉग में भी आए थे, सुंदर कांड हुआ था ना तब आए थे। तो चलो गाइस भाई देखो अब अलविदा करते हैं, मतलब आप लोग अलविदा कर दो ये याली बिल्डिंग को, याली दिखाई नहीं अभी क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर है, और याली को तो कर दो बाय बाय। तो मेरी बाइक खड़ी है यहाँ पे, तो अब निकलता हूँ डायरेक्ट घर पे जाके बात करता हूँ क्योंकि बीच में शूट करने वाला कोई है ही नहीं। तो ठीक है चलो घर चलते हैं और मिलते हैं फिर घर पे डायरेक्ट। तो चलो गाइस भाई देखो पहुँच गया मैं तो घर पर, मतलब कॉलोनी पहुँच गया अभी मैं, देखो मकान खाली करा। तो भाई देखो पहुँच गया मैं कॉलोनी में, और है ना भाई मजा आ गया, लेट हो गया वैसे तो पर कोई बात नहीं। हेलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। क्या बना रहे हैं? मेथी के पराठे, बहुत मजा आया। मैं सुंदर वो हनुमान चालीसा का पार्ट पढ़ा, हां मैंने देखा था उनका। कहां देखा था? तू बैठा हुआ था देख, क्या देखूं? ओ ये आगे, लेकिन पहनने नहीं दूंगा अभी तो, मैं पहनूंगा ये फोल्ड कर रखी थी आगे पहले, लेकिन इसे बटन लगाना पड़ेगा यार, बटन ही नहीं है। तेरे तो हर चीज में ले, क्या हर चीज तेरा मैं लेता हूं। तो चलो भाई देखो अब घर पे आया, तो अब इसके अंदर ना मैं पेंट में बटन लगा रहा हूँ क्योंकि मैं भाई नहीं नहीं मैं लगा लूंगा क्योंकि भाई अभी कपड़े चेंज करने हैं ना, तो पजामा धोने को डाल रखा है तो ये वाला बटन लगाना पड़ेगा करके पट्टे करके काम। तो चलो गाइस भाई देखो पेंट तो बदल ली, शर्ट नहीं बदली क्योंकि मेरे को मेरी शर्ट नहीं मिल रही अभी, और है ना चलो यार लंच रेडी हो गया तो कर लेते हैं। सुबह समोसे कचौड़ी खाए थे लेकिन अभी टाइम देखो भाई 12 बज रही है, अकेले नहीं खाए थे, योगेश लवकुश के साथ खाए थे, पार्टी भी उन्होंने दी थी। मतलब मेरे को तो नहीं बुलाया ना, मतलब अचार का डब्बा निकाल दे, किधर है? नीचे नीचे, और अचार खाऊंगा अब मैं कम क्योंकि सूजगी थी ना, वो क्या है ज्यादा खट्टा खा लेता अच्छा ज्यादा इसलिए। अरे रख दे अभी मत देखे, गोरिला पोड मत देखे, रख दे तो 250 का ही आ रहा है, तो रख दे तू, तो अभी मत कर कुछ, 250 से लेके आना दुकान से, इससे मत खरीदना देख ले, नहीं मिलता ये वाला पोड़ ले ले। चलो भाई लंच कर लेते हैं, अचार और मेथी का परांठा, और अचार अब बिना ओनली ना चलने आ रही जाए तो देख सकते हैं। A few moments later, तो गाइस भाई देखो जय श्री राम पहले तो, क्योंकि अभी हो चुकी शाम और हम दोनों देखो मिलके कर रहे हैं इधर कलाकारी। तो इधर देखो ये अभी तो मैं फिलहाल काट रहा था प्याज क्योंकि हम बना रहे हैं भाई मैगी, बना रहे हैं मैगी क्योंकि है ना मन कर रहा है भाई, हम क्या भी अभी क्या सोशल मीडिया पे जा रहे हैं अभी हम लोग इंस्टाग्राम चला रहे थोड़ा, तो उसमें क्या है ना मैगी आती रहती है भाई खाने पीने की चीजें देखते रहते हो तो है ना भाई मैगी का चस्का चढ़ा, पहले तो मैं क्या दूसरे लिए बनाने वाले थे वो पहले उबालते हैं फिर फ्राई करते हैं ना वाली, लेकिन हमने सोची कि थोड़ी अभी एक दो ये मैगी तो अभी ज़्यादा नहीं बनाए अभी नॉर्मल वाले बना रहे हैं। तो चलो गाइस भाई देखो इधर कर लिया हमने काटा पीटी, और अब चलो इसका तो डाल देते हैं चाय और जीरा कम गैस करके, तो 1 2 3 तो भाइयों भाई देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इधर गैस दूसरी कैसे आ गई, पहले तो कांच वाली थी ना ब्लैक कलर की, तो बात वो नहीं है भाई, बात ये क्योंकि बीच में क्या हमारे दाल बाटी बन गई थी अभी, हमने ब्लॉग नहीं बना था, मैं 4 दिन छोटा हो गया था जो क्या है ना अभी हमने दूसरी गैस निकाली थी, अब उसके ऊपर क्या कांच है ना, तो क्या अब वो जैसे वाला है तो उसमें क्या है नीचे का गर्म हो जाता है, इसलिए वो कांच का टूटने की संभावना रहती है, फिर क्या गर्म होगा तो टूटेगा ऐसे भी संभावना करेगी। मेरे भाइयों भाई देखो इधर मैंने इतना कार्यक्रम कर दिया, तब चलो इसके अंदर मैगी डाल देता हूँ ये,
तो भाइयों भाई देखो हमने मैगी तो बना दी, अब बाकी का मम्मी का डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्योंकि मुझे मेरा समझ में आता है भाई डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए मैं मम्मी से करवाता हूँ। भाई खाना बनाती है ना मम्मी, मम्मी से सब्जी रखवाता हूँ, रोटी भले लेता हूँ खुद लेकिन सब्जी मम्मी से रखवाता हूँ भाई। तो चलो मैगी खा लेते हैं। सो गाइस देखे भाई अभी तो मैगी खाएंगे और शाम भी हो गई, तो व्लॉग भी बड़ा हो चुका है थोड़ा, तो मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ। एंड आई होप आप सभी को व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय, गुड नाइट।